हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एनआरसी में अगर आपका नाम नहीं आया है तो वो एनआरसी में आपका नाम क्यों नहीं आया है, उसका रीज़न आपको कैसे चेक करना है ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनआरसी का जो फाइनल फैमिली लिस्ट पब्लिश हुआ था, उसी के साथ साथ ही एनआरसी कर्तृपक्षों द्वारा बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन का रीज़न जो है उनके द्वारा बताया गया है। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा आपको कैसे चेक करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अगर आपका रीज़न नहीं आया है, रिजेक्शन का रीज़न नहीं आया है तो कब आएगा। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि DBDF या PFT PFTD का मतलब क्या है, पूरा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत हेल्पफुल होने वाला है आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखते रहिए और उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए, ताकि नए नए इन्फॉर्मेशन नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए, कैसे चेक करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना ब्राउज़र किसी एक मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है NRC का ऑफिशियल वेबसाइट पर, NRC Assam NIC.in पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जो आपको लिंक दिख रहा होगा, रिजल्ट फॉर ऑल NRC एप्लीकेंट एज पर ड्राफ्ट NRC एंड सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल के आ जाएगा, उसी पेज पे आपको ARN नंबर एंड कैप्चा के साथ आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए आ गया है। यहाँ पे आपको पहले जो कॉलम आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे एंटर ARN पे आपका ARN नंबर डालना है। इसके बाद आपको कैप्चा जो दिख रहा होगा, उस कैप्चा को ऊपर पे आपको डालना है। तो मैं आपको डाल के बता देता हूँ आगे का प्रोसेस आपको कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ARN नंबर एंड कैप्चा डालने के बाद आपको सीधा जो है नीचे से आपको नीचे में स्क्रॉल करके आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एज नंबर जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी देखिए ओनली इन केसेस, सॉरी, ये पे देखिए ओनली इन केसेस वेयर रीजंस फॉर रिजेक्शन आर इनएलिजिबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग डाउटफुल वोटर और डिक्लेयर्ड फॉरिनर और पेंडिंग केसेस एट फॉरिनर्स ट्राइब्यूनल्स यानी PFT और डिसेंडेंट यानी एज पर एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड दैट इज DB डिसेंडेंट यानी डाउटफुल वोटर डिसेंडेंट्स और डिक्लेयर फॉरिनर, डिसेंडेंट मतलब वंशधर है, और डिक्लेयर फॉरिनर डिसेंडेंट्स यानी DFT और PFTD डिसेंडेंट्स, द रीजन फॉर सच रिजेक्शन विल बी शोन एज DB DF PFT DVD DF और PFTD इन ब्रैकेट। तो ये जो रीज़न आपको दिख रहा होगा DF DV PFT DVD और यहाँ पे आप देखिए PFTD, अगर ऐसा इस रीज़न के इनमें से कोई रीज़न के वजह से आपका नाम NRC में नहीं आया है तो आपका जो रिजेक्ट है, रिजेक्ट के बाजू में ऐसा कोई आपको अक्षर DV या DF जिस भी कारण के वजह से आपका नाम नहीं आया है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में रिजेक्ट के बाजू में दिख रहा होगा। अब बात होता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ रिजेक्ट दिख रहा है, तो उसका मतलब है आपका जो रीज़न ऑफ रिजेक्शन है जिसके लिए आपका नाम NRC में नहीं आया है उसका कारण इसी में से कुछ भी नहीं है, कोई और कारण के वजह से आपका नाम नहीं आया है। तो आपका वो रीज़न कब आएगा, रीज़न ऑफ रिजेक्शन कब आएगा, आपको नवम्बर तक वेट करना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के अपडेट के मुताबिक नवम्बर में आपको वो रीज़न ऑफ रिजेक्शन मिल सकता है, तो नवम्बर तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको जो है सिर्फ रिजेक्ट लिखा हुआ है आपके स्टेटस के अगेंस्ट। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ये समय समय से अपडेट होता रहता है, एक बार जाके चेक कर लीजिए अपना ARN नंबर और कैप्चा डालने के बाद आप चेक कर लीजिए आपका स्टेटस के अगेंस्ट कुछ लिखा हुआ है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था, मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा कुछ जाना है तो कमेंट कर देना। आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।